शारदीय नवरात के प्रथम दिन श्री गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रों के बीच कलश स्थापना किया। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने गुरु अवैधनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात योगी ने मंदिर में स्थापित दुर्गा जी के मंदिर में काल भैरव की पूजा हुई तथा वहां रखे गए त्रिशूल आदि शस्त्रों को गोरक्ष पीठाधीश्वर ने साधु संत एवं संस्कृत विद्यापीठ के छात्रों को दिया। इसके बाद एक शोभा यात्रा मठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में भीम सरोवर की परिक्रमा की तथा सरोवर में अस्त्र शस्त्रों को स्नान कराया गया। तत्पश्चात पुनः अस्त्र शस्त्रों को दुर्गा मंदिर में स्थापित किया गया। बुधवार को शारदीय नवरात्र प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। पूजा में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सभी देव विग्रह का पूजन के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मठ पुरोहित पंडित रामनुज त्रिपाठी के नेतृत्व में 11 पंडितों द्वारा संपन्न हुआ। उसके बाद भव्य आरती संपन्न हुई।
संस्थाप्यामि विद्यां निवेदयामि नाभ्यः आदेवाय।